हाउ आर यू गाइस। सो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपना, जो फिजिक्स का वेव ऑप्टिक्स है, चैप्टर नंबर 7 पार्ट 5। एकदम डीप में आज हम लोग देखेंगे। ये आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, ये फिजिक्स है क्लास 12th। आप लोग यहाँ पे कहीं भी कॉन्टेक्ट करके मुझसे नोट्स ले सकते हो। ओके गाइस, सो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था पोलराइजेशन के बारे में। मे भी बहुत लोगों को नहीं समझा होगा, तो फिर से वापस से मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट करके फिर से बता देता हूँ, जिससे कि पोलराइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है आप लोगों के दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाए और फिट हो जाए। तो पोलराइजेशन समझने के बाद आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के बारे में। तो पोलराइजेशन समझ लेते क्या होता है। देखो, कभी भी याद रखना, पोलराइजेशन जो वर्ड है, ये कभी भी वर्ड है तो आपको सिर्फ एक ही चीज समझनी है कि ये सिर्फ इसका एक ही काम है कि जो अनपोलराइज लाइट होती है, ठीक है, अनपोलराइज जो लाइट होती है, इस लाइट को कन्वर्ट कर देता है पोलराइज्ड लाइट में। पोलराइज्ड लाइट में इसका कन्वर्जन का काम है, यानी कि सिर्फ ये एक ही काम परफॉर्म करता है पोलराइजेशन प्रोसेस में कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है उनको कन्वर्ट करता है पोलराइज्ड लाइट में। ये पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने का जो इसका काम है वो किसके हेल्प से करता है, तो वो पोलराइजर की हेल्प से करता है। किसकी हेल्प से? पोलराइजर की हेल्प से। पोलराइजर एक जस्ट प्लास्टिक का डिवाइस होता है, ठीक है, ये एक जस्ट डिवाइस है जो कि लाइट को, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरी बात, बहुत लोगों को इसी यही चीज नहीं समझी कि अनपोलराइज लाइट जो होती है, अनपोलराइज लाइट क्या होती है। तो देखो, अब इतना एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि जो लाइट होती है ना, बस इसी लाइन को याद रखना हमेशा, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो लाइट होती है ना, उसको ट्रेवल करने के लिए प्लेन की जरूरत होती है। प्लेन जिसे हमको चलने के लिए सरफेस, अर्थ की सरफेस को चलने के, रोड में चलूंगा ना, हवा में थोड़ी चलूंगा, चलने के लिए हमको अर्थ की जरूरत होती है। वैसे ही किसी भी लाइट को ट्रेवल करने के लिए प्लेन की जरूरत होती है या फिर मीडियम की जरूरत होती है। तो मतलब मीडियम तो सबको चाहिए, हमको भी अपना एनवायरमेंट का मीडियम चाहिए, बट लाइट है उसको चलना है, उसको ट्रेवल करना है, तो मीडियम उसको भी चाहिए, बट किसी ना किसी उस मीडियम में प्लेन में चलेगा ना। अब अपना एनवायरनमेंट में हवा में भी मीडियम है, अर्थ में भी मीडियम है, सॉलिड भी मीडियम है, गैस भी मीडियम है, लिक्विड भी मीडियम है, तो हम लिक्विड मीडियम में थोड़ी चलते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए अपना अपना प्लेन होता है चलने का, तो ऐसे लाइट का भी एक प्लेन है। अब वो किस डायरेक्शन में होगा? जिधर वो चलेगी, जिधर वो लाइट प्रोपागेट होगी, उधर उसका प्लेन होता है। तो जो अनपोलराइज लाइट होती है वो किसी भी प्लेन में चलती है। मान लो अगर सपोज ये लाइट है तो किसी भी प्लेन में वो प्रोपागेट होगी, किसी भी प्लेन में प्रोपागेट होगी, मतलब उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो किधर भी प्रोपागेट होगी। ये हो गई अनपोलराइज लाइट। जो पोलराइज लाइट होगी वो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट होती है, उसके अंदर के जो पार्टिकल होते हैं, मैं वाइब्रेट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज जो लाइट होती है ना वो हमेशा वाइब्रेशन करके चलते हैं, उनके अंदर के पार्टिकल्स, तो एक ही प्लेन में वाइब्रेट होंगे, ठीक है, एक ही प्लेन ऑफ द पेपर में वाइब्रेट होंगे, सारे प्लेन्स में नहीं। तो यही अनपोलराइज का जो कन्वर्जन है, यही जो अनपोलराइज का जो पोलराइज में कन्वर्जन है, यानी कि एक ऐसी लाइट जो बहुत सारे प्लेन में प्रोपगेट होती है, बहुत सारे प्लेन में बहुत सारे प्लेन्स में प्रोपगेट होके और चलती वाइब्रेट होती है, उसको हम सिंगल प्लेन में कैसे प्रोपगेट करने वाली बना दे लाइट को, तो यही कन्वर्जन को हम पोलराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। समझ गया? अभी कैसे होगा समझो। सपोज दैट कि तुम्हारे पास कुछ, ये एक प्लेन ऑफ प्रोपगेशन है, अब इसमें कोई भी यहाँ पे लाइट है, ये एक लाइट सपोज, तो ये ऐसे ऐसे क्या हो रही है, किधर भी प्रोपगेट हो रही है, ठीक है, यानी कि ये अनपोलराइज लाइट है। ये कैसी लाइट है? ये अनपोलराइज लाइट है। अब मुझे इसे क्या करना है? पोलराइज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? एक ऐसा डिवाइस। अब देखो होता क्या है ना, उस प्लास्टिक के डिवाइस पे ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। देखो ऐसा कुछ मान लो ये प्लास्टिक है, ठीक है, अब मैं इसमें ऐसा होल करूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा होल कर दूंगा, ठीक है, ये ऐसा छोटा सा होल कर दूंगा, तो इसी बाकी देखो, अब यहां से जब लाइट आके यहां पे टकराएगी तो आगे नहीं जा पाएगी, यहां पे टकराएगी आगे नहीं जा पाएगी, बट जब लाइट इस होल में टकराएगी तो आगे उस साइड चली जाएगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो ध्यान रखना अच्छे से। अब देखो, तो अब जब यहां पे आप इसी पूरा का पूरा जो ये प्लास्टिक है आपके सामने, जाने की जो पोलराइजर है, इसे जब यहां पे आप लगाओगे तो ये क्या होगा, ये आगे ट्रेवल करेगा, और बाकी देखो यहां से जो लाइट आएगी ये यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी, यहां पे आएगी तो ब्लॉक हो जाएगी, हर जगह से ब्लॉक हो जाएगी, बट जो इतने के मिडल में जाएगी तो यहां से क्या होगी, लाइट आगे निकलेगी, और वो लाइट कैसे निकलेगी, पोलराइज, जैसा जिसका होल का शेप रहेगा वैसी लाइट यहाँ पे निकलेगी। समझ गया? क्योंकि बाकी की लाइट तो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई ना, मतलब देखो ये लाइट ब्लॉक हो गई, ये लाइट ब्लॉक हो गई, ऐसे ये भी ब्लॉक हो गई ऐसे, और बाकी का सिर्फ ये वाली लाइट जो थी वो सीधा सीधा वाली निकल गई। मतलब आपको एक, आप एक एक्सपेरिमेंट अपने घर में कर सकते हो, एक टॉर्च ले लो और टॉर्च में से ना आप एक काम करना, छोटा सा उस टॉर्च का बहुत बड़ा सा लाइट निकलेगा ना आपके सामने, ऐसी अगर सपोज टॉर्च है,
ठीक है। तो यहाँ से ऐसी ऐसी हर जगह से लाइट निकलेगी, तो आपको करना क्या है उसमें ना एक पेपर लेना है और पेपर में सेंटर में एक होल कर देना है, ठीक है। तो उस सेंटर में जब होल करोगे तो यहां से अब देखो लाइट यहां से भी ऐसे निकलनी चाहिए थी, लाइट यहां से भी ऐसा देखो यहां से भी ऐसे निकलनी चाहिए थी, बट यहां से भी नहीं निकलेगी, यहां से भी नहीं निकलेगी। ओनली कहां से निकलेगी? वो ओनली निकलेगी आपके इस होल से, यहां से निकलने वाली है सिर्फ, समझ गया। तो यहां से लाइट निकलेगी, तो ये लाइट कैसी है? पोलराइज लाइट है। और ये लाइट कैसी थी? ये अनपोलराइज लाइट थी। तो अब आपको पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट समझ गया। और जो ये आपका पेपर है ये क्या है? पोलराइजर है। समझा कि नहीं? तो ये बात अच्छे से समझ के रखना, यही था पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब आपके माइंड में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो पोलराइज लाइट होती है वो हमेशा सिंगल प्लेन में ही ट्रेवल करती है, मतलब एक ही प्लेन में उनके मोशन होगा वाइब्रेशन का, ओके। अब जाके आप लोग पार्ट नंबर इसके पहले का जो 5 था 4 था उसे समझो अच्छे से, अब आपके माइंड में सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और ना समझे तो इसे बार बार एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो जरूर, ओके गाइस। चलो तो अभी हम आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज अपना है, अगला कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से आज हम सीखने वाले हैं, नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है इंटरफेरेंस। तो उससे पहले हमारा चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव अभी नहीं हुआ है, जल्दी अपलोड करूंगा उसे भी। तो उसमें एक चीज हमने सीखी है, और आपने नहीं सीखा यार तो 11th में सीखा रहेगा। देखो ये एक अपना कोई भी मीडियम है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है, और यहां पे क्या कर रही है? इस तरीके से वेव ट्रेवल कर रही है, इस तरीके से वेव ट्रेवल कर रही है, ये हम लोग को पता है, ठीक है। यहां से वेव ट्रेवल कर रही है और यहां तक का जो एक डायरेक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। अब मैं यहां पे मार्क नहीं करूंगा बिकॉज मुझे डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो यहां से चलो लिख देता हूं। तो यहां पे देखो ये क्या है? वेवलेंथ है, जिसे मैं लैम्बडा कहता हूं। और यहां से लेकर के और यहां तक के डिस्टेंस को मैं इसे क्या कहता हूं? एम्पलीट्यूड कहता हूं। क्या कहता हूं इसे? एम्पलीट्यूड। इसे क्या कहता हूं मैं? एम्पलीट्यूड कहता हूं। तो इसे अच्छे से आपको याद रखना, ये हो गया एम्पलीट्यूड। और जो यहाँ पे ये ब्लैक लाइन है ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब जिस रास्ते से अपनी लाइट ट्रेवल कर रही है, ये होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब तो आपको समझ गया रहेगा ये सारा कॉन्सेप्ट है जो, ठीक है, ये होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ओके। तो ये हो गया पूरा एक वेव। तो सुपर पोजिशन ऑफ मतलब होता क्या है? सुपर पोजिशन या सुपर इम्पोज, इसका मतलब क्या होता है कि दो वेव्स को आप एक में ही क्या कर दो? एक में ही समाहित कर दो, यानी कि एक में ही आप कंबाइन कर दो, ओके। एकदम प्रॉपर हिंदी बोल दिया मैंने तो, ठीक है। तो यहां पे आपको एक ही वेव में क्या कर देना? उनको मिक्स कर देना। अब देखो ये दूसरी वेव है, सेम कंडीशन की एक दूसरी वेव है, ठीक है। अब मैं इन दोनों वेव को सुपर इम्पोज करूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मुझे देखना है। अब ध्यान देना, मैं आप इस दो वेव्स को अलग अलग दो वेव्स को सुपर इम्पोज करने जा रहा हूं, ठीक है। तो अभी आपको समझ के रखना है, देखो यहां पे आई अभी इस वेव को भी और मैं इस वेव को सुपर इम्पोज करूंगा, ध्यान देना। तो मैं पहली वेव यहां पे ले लिया, ये मेरी फर्स्ट वेव है, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट वेव है। अब मैं दूसरी वेव ले रहा हूं, ध्यान देना, दूसरी वाली वेव मैं सेकंड वेव को यहां पे सुपर इम्पोज कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो ये मैं सेकंड वेव को इस तरीके से सुपर इम्पोज कर दिया, समझ गया कि नहीं समझ गया मैं क्या कर दिया? समझा ना अच्छे से? देखो ये हो गई मेरी, यहाँ पे मैं अच्छा कलर वाला बना देता हूँ, जैसा जिसका कलर है वैसे बना देता हूँ। यहाँ पे देखो अभी ये देखो जो लाइट को मैंने एक रेड वाली वेव को और मैं ब्लू वाली वेव को दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया, तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सुपर इम्पोज करना मतलब एक साथ कंबाइन कर देना यार, ठीक है। तो ध्यान देना, तो अब इसमें जो ये एम्पलीट्यूड था इसका, अब देखो पहले तो सिर्फ इतना ही एम्पलीट्यूड था ना, अब एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो कितना बन गया, यानी एम्पलीट्यूड क्या हो गया? डबल, समझा। फिर उसके बाद वेवलेंथ की बात करूंगा, तो अब वेवलेंथ देखना अच्छे से, यहां से लेकर के यहां तक का वेवलेंथ देखो, ये एक वेवलेंथ है, ये एक वेवलेंथ है, बट उसी डिस्टेंस तक दूसरा वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ भी क्या हो गया, यानी लैम्बडा भी क्या हो गया? डबल, समझा। तो जब कभी भी आप किसी वेव को, अब इस लाइन को सुन लेना अच्छे से, जब कभी भी आप किसी भी दो वेव्स को, दो नॉर्मल अपने अपने प्लेन में चल रही थी, उन वेव्स को सुपर इम्पोज करोगे तो उन वेव्स का एम्पलीट्यूड प्लस वेवलेंथ दोनों के दोनों इंक्रीज होते हैं, डबल हो जाते हैं, समझा ना अच्छे से। तो ये बात समझ के रखना, बहुत ही जरूरी था, ठीक है। चलो तो ये आपको सुपर इम्पोजिशन जो था समझ गया होगा, सुपर इम्पोजिशन ऐसा कहते हैं, सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से समझ के रखना, ये होता है सुपर इम्पोज ऑफ द वेव। जब ऐसा करोगे तो एम्पलीट्यूड भी डबल हो जाएगा और वेवलेंथ भी डबल हो जाएगा, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब अपना इंटरफेरेंस की कंडीशन समझते हैं, कुछ इसी तरीके से इंटरफेरेंस भी होता है। अब देखो गाइस आपको पता होगा कि अर्थ ट्रफ्स एंड क्रस्ट ऐसा इसमें होता है, ट्रफ एंड क्रस्ट ऐसा वेव्स में होता है। तो ये क्या होते हैं? अभी देखो एक पॉइंट से अर्थ एंड क्रस्ट, यहाँ अर्थ बोल रहा हूँ, जो क्रस्ट एंड ट्रफ, तो ट्रफ एंड क्रस्ट दोनों क्या होते हैं? एक साथ कंबाइन होते हैं, समझ गया, एक साथ यहाँ पे एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ में कंबाइन होता है, दूसरे वेव का ट्रफ दूसरे वेव के क्रस्ट में कंबाइन होता है, कभी कभी ट्रफ एंड ट्रफ एक दूसरे से कंबाइन होते हैं,
कभी कभी क्रस्ट एंड क्रस्ट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। अभी क्रस्ट एंड ट्रफ क्या है इसको मैं डीप में समझाऊंगा सुपर पोजिशन ऑफ वेव चैप्टर नंबर 6 में, ओके। और अगर आपको 11th में पढ़े होगे तो क्रस्ट एंड ट्रफ क्या होता है ये आपको पता ही होगा, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब गाइस स्टार्ट करते हैं अपना इंटरफेरेंस का टॉपिक जो है अपना अगला टॉपिक, ठीक है। तो ध्यान दे रहा इंटरफेरेंस एग्जैक्टली क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। ये एक टाइप का ऐसा फेनोमेनन है। अब देखो जो मैंने सुपर इम्पोजिशन आपको बताया ना वही चीज है यहाँ पे। तो ये एक टाइप का ऐसा फेनोमेनन है जिसमें टू वेव्स, यही डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है, जिसमें टू वेव्स सुपर इम्पोज होती है टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव। मतलब देखो कहने का मतलब तो आपको समझ गया होगा, इतना तो आपको खुद ही आता है। दो वेव्स कंबाइन होके सुपर इम्पोज मतलब एक साथ आके और क्या फॉर्म करती है नई रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट वाली जो वेव्स आई वही को रिजल्टेंट वेव कहेंगे। तो जो न्यू वेव्स को फॉर्म करते हैं ऑफ अ ग्रेटर और अ लोअर और अ सेम एम्पलीट्यूड। जब आप किसी भी दो वेव्स को सुपर इम्पोज करोगे तो या तो वो वेव्स का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा या तो कम हो जाएगा या तो सेम हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसी कंडीशन को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। यानी कि इंटरफेरेंस हम क्यों करते हैं किसी भी दो वेव्स का, तो कभी भी, या फिर जरूरी नहीं कि हम ही करेंगे, नेचर में भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कभी भी इंटरफेरेंस अगर दो वेव्स का हो रहा है तो या तो उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा या तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा या तो उसका एम्पलीट्यूड जो है सेम रहेगा। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो सेम डिक्रीज या फिर जो भी रहेगा बट एम्पलीट्यूड में इफेक्ट पड़ेगा, और एम्पलीट्यूड को ही चेंज करने के लिए हम लोग इंटरफेरेंस करते हैं किसी भी वेव्स का, ओके। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊंगा इंटरफेरेंस का। मान लो आपके सामने, यहाँ पे समझना, मान लो आपके सामने एक पॉट है, मतलब वाटर है, वाटर रिवर में आप गए हो घूमने, लेक वगैरह में कभी गए रहोगे, तुम्हारे विलेज में अगर लेक होगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो तो यार रिवर रहेगी तो और अच्छी बात है। रिवर में सपोज लो स्टैटिक वाटर है, शांत पानी है, उसमें आपने एक जगह इधर पत्थर डाला, एक जगह इधर पत्थर डाला, दो पत्थर आपने उछाले, तो यहां से जो इस तरीके से वेव निकलेगी तो फिर यहां से भी तो ऐसी वेव निकलेगी, फिर यहां से ऐसी वेव निकलेगी, तो फिर यहां से भी ऐसी वेव निकलेगी, फिर यहां से भी ऐसी वेव निकलेगी, तो फिर यहां से भी ऐसी वेव निकलेगी, फिर यहां से भी ऐसी वेव निकलेगी, फिर यहां से भी ऐसी वेव निकलेगी। समझने में क्या बना रहा हूं, यहां से भी ऐसी वेव निकलेगी फिर यहां से भी ऐसी वेव निकलेगी। मतलब क्या समझा, पहली वेव, ध्यान देना अच्छे से, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपनी हो गई पहली वेव यहां पे, और दूसरी वेव उधर की दूसरी वेव, ठीक है। ये पहली वेव और उस साइड की ये दूसरी वेव, ये वाली वेव और ये वाली वेव एक साथ कंबाइन हुई। ऐसे देखो इसकी एक वेव और उसकी ये दूसरी वेव यहां पे कंबाइन हुई, उसकी एक वेव इसकी एक वेव यहां पे कंबाइन हुई, उसकी एक वेव इसकी एक वेव यहां पे कंबाइन हुई, ऐसे आगे बनाते तो और कंबाइन होती। ऐसे देखो यहां पे एक दूसरे की वेव्स क्या हो रही है, एक दूसरे की वेव्स यहां पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, समझ रहे ना। मतलब देखो वाटर वेव की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपको ये चीज इमेजिन करनी पड़ेगी। सपोज पानी है उसमें दो पत्थर अलग अलग जगह में आप फेंको तो वहां से दोनों जगह से वेव्स का निकलना स्टार्ट होगा, वेव्स इनकलकेट होंगे, पैदा होंगे वेव्स और आगे निकलेगी। तो उन दोनों वेव्स के जो भी अर्थ और क्रस्ट जो भी वेव्स रहेगी एक दूसरे में क्या होगी, कंबाइन होगी। यानी कि कंबाइन होने का मतलब है कि वो सुपर इम्पोज होगी। इसका मतलब यह है कि या तो उनका क्रस्ट वेव्स के जो पास क्रस्ट होता है या ट्रफ होता है वो एक दूसरे से किसी ना किसी पॉइंट में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। इस तरीके से चाहे वो कोई भी पॉइंट रहे तो किसी ना किसी पॉइंट में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। ये बात तो आपके दिमाग में फिक्स हो ही रहेगी। मतलब जो देखो एक चीज सुन लो पहले, वेव्स का क्रस्ट एंड ट्रफ होता है। अब उस वेव का जो क्रस्ट एंड ट्रफ है वो किसी ना किसी जगह में तो कंबाइन होगा। मतलब ये सोर्स का अगर है और ये दूसरा सोर्स है, इन दोनों सोर्स में से जो भी वेव्स निकलेगी उन दोनों का अपना अपना जो क्रस्ट एंड ट्रफ होगा किसी न किसी पॉइंट में कंबाइन होगा ही होगा, समझ गया। और फिर उनका एम्पलीट्यूड या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा वेव्स का। हमने बताया था ना कि कैसे एम्पलीट्यूड यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होता है एम्पलीट्यूड, ऐसा कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे कुछ सपोज करते हैं। इतना तो समझ गया ना कि भाई इंटरफेरेंस एग्जैक्टली क्या है। इंटरफेरेंस ये होता है कि जब कोई भी दो वेव्स सुपर इम्पोज होती है तो उसका एम्पलीट्यूड या तो इंक्रीज डिक्रीज और या तो लोअर या तो सेम जो भी रहेगा रहेगा, ठीक है। तो पूरा इफेक्ट एम्पलीट्यूड पे पड़ता है, ऐसा नहीं कि वेवलेंथ में नहीं पड़ता, बट वेवलेंथ भी पड़ता है बट एम्पलीट्यूड पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। चलो नाउ मान लो कि दो आपके सामने ऐसा कोई भी दो सोर्सेस है, S1 एंड S2 सोर्सेस है, और वो क्या कर रहे हैं, देखो वाटर वेव्स को फॉर्म कर रहे हैं। जहां से मतलब S1 एंड S2 से वाटर वेव क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। मतलब जो मैंने आपको बता दिया वही चीज मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि नोट्स है ना यार, आपको ये चीज एग्जाम में यूज कर रही तो मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो S1 एंड S2 ये दो सोर्सेस है जिनमें से वाटर वेव निकलती है, तो ये रिवर में हम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जिनका वो दोनों सोर्सेस का जो वेव्स है उनका एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और जो फेज होगा, बताते ना फेज मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन,
पार्टिकल किस तरीके से मोशन करेंगे वो पूरी वेव्स में सेम रहेगा, ठीक है। तो इनका वेवलेंथ हो चाहे एम्पलीट्यूड हो चाहे फेज हो, सब सेम रहेगा, ओके, ये बात ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो हर एक वेव का अपना क्रस्ट होता है, हर एक वेव का अपना ट्रफ होता है, मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो क्रस्ट और ट्रफ, यहाँ वाटर वेव में जो क्रस्ट है हमने शो किया है बाय द कंटिन्यूअस लाइन, यानी ये जो ऐसी लाइन्स है ना, इससे हमने क्या किया है, अपने क्रस्ट को दिखाया है, और ट्रफ को हमने डैश लाइन से दिखाया है, डैश लाइन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा डैश लाइन, हर एक डैश लाइन से हमने क्रस्ट को दिखाया हर एक वेव का, क्योंकि हर एक कोई भी वेव रहे तो उसका अपना क्रस्ट और उसका अपना ट्रफ होता है, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पे फॉर द वाटर वेव्स हमने उसे कंटिन्यूअस लाइन और डैश लाइन से डिफरेंशिएट किया है, अभी तो बच्चा भी समझ जाएगा, ठीक है। चल तो अब इसी चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे कि आपके माइंड में सारी चीजें अच्छे से बैठ जाए, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आए, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, एक आपके सामने ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम को समझना, अभी देखो अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो यहाँ पे S1 है, ये सोर्स है, S2 है, ये दूसरा सोर्स है, अरे S1 S2 कैसे आ गया, यहाँ पे S2 आएगा, ओके। दो सोर्सेस है जहां से लाइट्स निकलती है, ठीक है, मतलब पानी में आपने दो पत्थर फेंके इन दोनों पोजिशन में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ से अभी वाटर की वेव्स निकलेगी। देखो तो ये पहली वेव हो गई इसकी, ये इसकी दूसरी वेव हो गई, समझा। फिर ऐसे ही और आगे आगे करते जाओगे तो बड़ी बड़ी ऐसा एक दूसरे से कोइंसिडेंट होने लगेगी, इस चीज को आपको इमेजिन करना है, दोनों एक दूसरे से कंबाइन होने लगेंगे। तो अब यहां पे ध्यान देना, जब कभी भी, समझना अच्छे से, जब कभी भी एक वेव का यानी सोर्स टू वाली वेव का और सोर्स वन वाली वेव का दो क्रस्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, दो क्रस्ट, अच्छा नहीं तो दो ट्रफ की बात करता हूं, दो ट्रफ अगर एक साथ कंबाइन होते हैं, दो ट्रफ अगर एक साथ कंबाइन होते हैं, उसको हमने ब्लू डॉट से दिखाया है, कौन से डॉट से दिखाया है, ब्लू डॉट से, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं, ब्लू डॉट से ऐसे दिखाया, ठीक है, ऐसे लाइंस, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये बात को ध्यान रखना। और जब कभी भी दो वेव्स का ट्रफ, दो वेव्स का, यहाँ पे क्रस्ट की बात करता हूं, दो वेव्स का क्रस्ट अगर एक साथ कंबाइन होता है, तो उसको मैंने यहाँ पे ध्यान दो, देखो जैसे देखो यहाँ पे देखो, एक ये डॉट्स है, एक ऐसे डॉट्स है, ऐसे डॉट्स है, ऐसे डॉट्स है, इससे दिखाया है, मतलब सिंपल सा आपको नोट्स भी दिखाऊंगा ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं लिखा है, देखो इट इज द पॉइंट, अभी देखो इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, ये चीज समझ लो पहले, ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जो इंटरफेरेंस है वो दो टाइप का है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तीन मार्क्स यही से मिल जाते हैं बच्चों को। तो ये दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, इंटरफेरेंस क्या है, समझ गया ना, सुपर इम्पोजिशन ऑफ द टू वेव्स, दो वेव्स एक साथ कंबाइन होते टू इंक्रीज डिक्रीज और टू मेंटेन द सेम या फिर कंटिन्यूटी ऑफ द एम्पलीट्यूड, ऐसा ये आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो ये हो गए अपने इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस दो टाइप के, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो टाइप के इंटरफेरेंस है। हम लोग पहले इंटरफेरेंस को डिस्कशन कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं इंटरफेरेंस के, इंटरफेरेंस मतलब पता है ना, इंटरफियर वर्ड से बना इंटरफेरेंस, यानी दो लोग जब एक साथ इंटरफियर होते हैं, अपने अपने रास्ते जा रहे थे, S1 से एक वेव निकली, S2 से दूसरी वेव निकली, अपने अपने रास्ते जा रहे थे, बट कहीं ना कहीं ये इंटरफियर हो गए, समझा। तो किस पॉइंट पे इंटरफियर हुए उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, समझा कि नहीं अच्छे से। चलो तो जिस पॉइंट, अब फिर उसमें से भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा है, तो जिस पॉइंट पे वेयर क्रस्ट ऑफ द वन वेव कोइंसाइड्स विद क्रस्ट ऑफ द अनदर वेव एंड ट्रफ ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद द ट्रफ्स ऑफ अनदर वेव, समझा कि नहीं, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव की क्रस्ट से और एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव की ट्रफ से एक साथ क्या होता है, कंबाइन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अब यहां डायग्राम में देखो, अब आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान देना। अब यहां पे समझते हैं, देखो एक वेव का क्या बोला था, एक वेव का क्रस्ट, एक वेव का क्रस्ट, ध्यान दो ये देखो, एक वेव का क्रस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ, एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव का ट्रफ, ऐसे जहां पे जिस पॉइंट में कंबाइन होते उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कैसे पता करोगे कि कौन सा क्रस्ट है कौन सा ट्रफ है, तो यहां पे बताया है ना, क्रस्ट वो लाइन है जो कंटिन्यूअस लाइन है, ट्रफ वो लाइन है जो डैश लाइन है, ठीक है। तो यहां पे जो कंटिन्यूअस मतलब यहां पे कंस्ट्रक्टिव वही वाले में बनेगा जिसमें
कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस लाइन और डैश लाइन और डैश लाइन ही कंबाइन हो, ये दोनों मतलब सेम सेम वेव्स जो रहेंगे सेम सेम, या तो डैश डैश या तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो रहा है तो वो कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा। मतलब आप इसी लाइन को देख लो, इसमें जितने भी ब्लू पॉइंट्स हैं इस लाइन में, इसमें या तो दोनों के दोनों कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस लाइन होंगे या तो इसमें डॉट डॉट लाइन होंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक कंटिन्यूअस दूसरा डॉट, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पे देख लो अभी अच्छे से आप, ठीक है, एक यहां पे बन गया तो ये कैसा हो गया, ट्रफ ट्रफ हो गया, ठीक है, फिर यहां पे देखो क्रस्ट क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, ऐसा ऐसा, समझ गया, बस इस चीज को याद रखो, क्रस्ट मीन्स का कंटिन्यूअस लाइन, बस जो कंटिन्यूअस लाइन है वो ट्रफ होती है। तो यहां पे देखो पहले क्रस्ट हो गया, फिर ट्रफ हो गया, क्रस्ट हो गया, ट्रफ हो गया, क्रस्ट हो गया, ट्रफ हो गया, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, और आगे तो कुछ ही नहीं, समझा। तो ये जो पूरी लाइन है ये एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स है। व्हाट अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, एक वेव का ट्रफ कंबाइन होगा क्रस्ट से, फिर दूसरी वेव का क्रस्ट कंबाइन होगा ट्रफ से। मतलब देखो डिस्ट्रक्टिव बताता हूं, देखो एक यहां पे ध्यान देना अच्छे से, एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव की ट्रफ से क्या होगा, कंबाइन होगा, यानी कि एक कंटिन्यूअस दूसरे डिसकंटिन्यूअस वाली लाइन से कंबाइंड रहेगी। यानी कि इसमें आप सारे के सारे पॉइंट्स देख लो, सारे के सारे पॉइंट्स आप इसमें देख लो, जो भी आप कॉम्बिनेशन होगा वेव्स का उसमें एक का जो कंटिन्यूअस रहेगा दूसरा डिसकंटिन्यूअस, यानी एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट से, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से। और कंस्ट्रक्टिव वाले में क्या था, कंस्ट्रक्टिव वाले में कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से, ऐसे कॉम्बिनेशन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है दोनों चीजों को, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए हो गया और ये डिस्ट्रक्टिव के लिए हो गया, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा एग्जाम में, अच्छे से समझ के रखो इस चीजों को। चलो अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिर से देख लो, दीज आर दी पॉइंट्स, ऐसे इंटरफेरेंस के पॉइंट्स वेयर क्रस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद द ट्रफ ऑफ अनदर वेव एंड वाइस वर्सा, ऐसा बार बार होगा और ये रेड डॉट से दिखाया जाता है, कौन से डॉट से, रेड डॉट से ये दिखाए जाते हैं, इस चीज को आपको समझ के रखना है। और हैविंग वेवलेंथ मिनिमम, इन कंडीशन में जो वेवलेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, और कंस्ट्रक्टिव वाले में वेवलेंथ ज्यादा रहता है, ये बात को समझ के रखो, ओके। चलो तो ये कंप्लीट हो गया भाई इंटरफेरेंस का जो भी यहाँ पे टॉपिक था। अब हम समझते हैं कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, एग्जैक्टली कोहेरेंट सोर्स क्या होता है या फिर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। अब यहाँ पे समझना, सोर्सेस मतलब वो कि जो लाइट को एमिट करता हो उसे हम सोर्स कहते हैं, बट व्हाट अबाउट द वर्ड दैट कोहेरेंट, इसका मतलब क्या है। तो कभी भी कोहेरेंट वर्ड आया ना तो मतलब देखो एक इंग्लिश का वर्ड है ये, हेरेंट ऐसा एक इंग्लिश का वर्ड है, कोहेरेंट ऐसा वर्ड बनता है। दो पॉइंट है तुम्हारे सामने, कोहेरेंट मतलब दो होता है, दो सोर्सेस, कोहेरेंट वर्ड का मीनिंग ये होता है डबल डबल सोर्सेस, डबल सोर्सेस, ठीक है। तो अगर देखो और कोहेरेंट मतलब क्या, जैसे अगर मैंने बोलूं कोई दो इंसान है जो कोहेरेंट है, तो इसका मतलब ये है कि उनसे जो भी निकलेगा वो सेम चीज रहेगी, मतलब एक पर्सन ए एक पर्सन बी, तो इससे जो भी बाहर एमिट होगा वो सेम रहेगा, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो फाइटिंग का नॉलेज हो, चाहे उसके अंदर का ताकत की बात हो, चाहे जिसकी भी बात करो, वो दोनों सेम रहेगी, समझ गया। तो कोहेरेंट सोर्सेस मतलब इससे जो भी वेव्स निकलेगी उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, उनका फेज सेम होगा, उनका वेवलेंथ सेम होगा, मतलब सारी चीजें वो सेम सेम वाली चीजें होंगी, फेज डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, तो सारी चीजें यहाँ पे सेम रहेंगी। यानी टू सोर्सेस विच एमिट्स मतलब बाहर निकालना वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्सेस, समझ गया। यानी कि ऐसे दो लाइट के सोर्स जब उसमें से लाइट्स निकलेगी तो जो लाइट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रहेगा, टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, और ऐसे सोर्सेस को हम कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो जैसे कि ये देखो ये दो सोर्सेस S1 एस टू दीज आर दी कोहेरेंट सोर्सेस, समझ गया। ऐसे यहाँ पर भी देख लो S1 एंड S2 आर दी कोहेरेंट सोर्सेस, जिनका जो भी वेव्स यहाँ पे ट्रेवल हो रही है उनका जो वेवलेंथ है एम्पलीट्यूड है या फिर फेज डिफरेंस की जिसकी भी बात करूं, फेज डिफरेंस ये सारी चीजें सेम होंगी, सभी की सभी चीजें सेम होंगी। फेज डिफरेंस क्या है, ये एक फेज ये दूसरा फेज, इसके बीच का जो फेज डिफरेंस फेज है वही फेज डिफरेंस कहलाता है, समझ गया। तो इस चीज को समझ के रखना, ओके। चलो अब आगे बढ़ते, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, 2017 के पेपर में एग्जाम में 7 मार्क्स को आया था। पहले का पेपर जो हुआ करता था ना वो पेपर का पैटर्न अलग था, ठीक है। तो ये 7 मार्क्स को एग्जाम में पूछा था, 7 मार्क्स का पेपर पहले कैसे होता था, ध्यान से सुन लो। पहले क्या हुआ करता था कि पहले 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा 7 मार्क्स के क्वेश्चन में, मतलब सबसे लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 7 मार्क्स का हुआ करता था,
ठीक है, और उसमें 7 मार्क्स के पेपर में एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, समझा? या तो दूसरा पैटर्न रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में या तो ये फॉलो होगा या तो ये फॉलो हुआ करता था। तो 2017 के पेपर में ये यंग डबल स्लिट आया था, 2 मार्क्स को इसका डायग्राम, 5 मार्क्स को इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक ही क्वेश्चन में कर दिया था। और कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था कि एक क्वेश्चन और आया था, मतलब अगर मैं नॉर्मली केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें, या फिर फिजिक्स की ही बात करता हूं, उसमें ऑप्शन में था कि ऐसा देखो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से मिल जाएगा कैपेसिटर का डायग्राम, कैपेसिटर का प्रूफ और उसकी डेफिनेशन, तो ऐसा पूछ लेता है। तो 2017 के पेपर में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में अच्छे से एग्जाम में पूछा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आपको याद रखना है। तो भाई कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में, याद रखो। ओके, तो यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, यंग से एक साइंटिस्ट का नाम था, याद रखना। डबल मतलब दो स्लिट्स, मतलब दो स्लिट्स यूज किए थे। स्लिट्स क्या होते हैं अभी दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, स्लिट्स दिखाऊंगा, टेंशन मतलब। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर करना स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को। देखो यहां पे इस डायग्राम को देखो, यही है यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऐसा ही पूरा सेटअप है, ये सेटअप है। देखो ध्यान देना, एस क्या है, कंसीडर करो, देखो यहाँ पे जो लिखा है ना मैं वही बोल रहा हूँ, एस सोर्स है, ए बी स्क्रीन है, S1 एंड S2 नैरो स्लिट्स है, कॉन्वेक्स लेंस है, जो यहाँ लिखा है उसी को यहाँ पे बताऊंगा। और अगर आपको डायग्राम बनाने बोला तो यही डायग्राम और यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, ये डायग्राम बना के इसको समझाना है, इतना ही करना है और आपको मिलेंगे 3 मार्क्स यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट में। और जब बोलेगा मैथमेटिकली एक्सप्रेस करो तो बताऊंगा क्या करना है। ओके रुक जाओ अभी, तो ये है यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, और अगर ये पूछा तो 3 मार्क्स को आएगा। तो ये है अपना सोर्स, ये है सोर्स, ठीक है, जहां से अपनी, जैसे टॉर्च समझ लो, चलो भाई टॉर्च समझ लो, ये टॉर्च है जिसमें से लाइट निकलेगी बाहर, ऐसे ऐसे लाइट निकलेगी, ठीक है, यहां से सीधा से एक सोर्स है जहां से लाइट अपनी क्या होगी, बाहर निकलने वाली है। ओके चलो आगे, हमने ए नाम का और बी नाम का एक स्क्रीन लगाया है और स्क्रीन के बीच में 2 होल कर दिए है जिसका नाम है S1 एंड S2, और इन्हें हम कहते हैं स्लिट्स, स्लिट्स, ये 2 स्लिट्स है, कितने स्लिट्स है, 2 है, इसीलिए डबल स्लिट्स। इन स्लिट्स में से क्या होगा, देखो जैसे ये लाइट आ रही है, अगर ये लाइट आगे जाएगी क्या, नहीं जाएगी, बट ये लाइट ही ओनली आगे जाएगी, ये भी नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएगी, ये जाएगी, ये नहीं जाएगी, समझा? तो ये इस तरीके से स्लिट्स है जिसमें से कुछ ही अमाउंट ऑफ लाइट वो भी पोलराइज लाइट आगे जाएगी, अनपोलराइज लाइट नहीं जाएगी, समझा अच्छे से? तो ये स्लिट्स है, डबल स्लिट्स है, समझ गया होगा, इतना चिद्दी सा तो काम है यार, 2 होल किया है वही स्लिट्स है। चलो अभी जो लाइट है ना, टॉर्च है, ये टॉर्च कैसा स्टैटिक लाइट प्रोड्यूस करेगा ना, तो इसे अपने को क्या करना है, इसे अपने को स्प्रेड कराना है, तो कॉन्वेक्स लेंस इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है, और किसके बीच में रखा गया है, ये जो अपना स्क्रीन है ए बी नाम का, जो अपना स्क्रीन है और जो अपना सोर्स है, इसके बीच में हमने स्लिट्स को रख दिया है, समझ गया? चलो तो इसके बीच में जो हमने स्लिट्स को रखा है, अपना कॉन्वेक्स लेंस को रखा है, तो ये लाइट को स्प्रेड करेगा और पूरा का पूरा ए बी स्क्रीन पर ट्रांसफर करेगा। ए बी स्क्रीन पर ट्रांसफर करने के बाद ये S1 है, ये S2 स्लिट्स है, यहां से उसी तरह की वेव्स निकलेगी जैसा वाटर वेव्स निकलती थी, मतलब देखो कहने का मतलब ये है, इस तरीके से मैं इसे हटा के और अच्छे से दिखाता हूं, देखो किस तरीके से निकलेगी। देखो पहला यह ऐसा हो गया, फिर दूसरा ऐसा हो गया, समझ रहे ना? देखो पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, वही मतलब वही चल रहा है, फिर से कॉम्बिनेशन ऐसा, समझ रहे? इस तरीके से यहां पर भी वेव्स क्या होगी, निकलना स्टार्ट हो जाएगी, तो इस चीज को आपको समझ के रखना है। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, हमने क्या देखा था कि कुछ पॉइंट पे देखो, जैसे कि मान लो कंस्ट्रक्टिव वेवलेंथ है, तो वहां पे वेवलेंथ क्या होता है, वहां पे वेवलेंथ ज्यादा होता है, और डिस्ट्रक्टिव वाले में क्या होता है, वेवलेंथ कम होता है, ठीक है। तो जहां पे वेवलेंथ ज्यादा है वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे वेवलेंथ कम है वहां पे इंटेंसिटी कम होगी। इंटेंसिटी क्या होती है मालूम है, देखो अभी जो अपने घर का बल्ब है वो बहुत धीरे चलेगा, बट यही अगर आप वेडिंग्स में जाओ तो वहां पे जो हेलोजन वाला कौन सा तो बल्ब होता है पता नहीं, वो बल्ब कितना एकदम डीप, एकदम इंटेंस लाइट प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा, एकदम बहुत डार्क, एकदम ऐसा समझो ना, अभी बहुत ज्यादा लाइटेड रहता है, ब्राइट रहता है, ठीक है। तो वो जो बल्ब है उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी मतलब पावर, चमकने की पावर, समझा, वही इंटेंसिटी है, ठीक है। तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, बट अपने घर वाले की इंटेंसिटी बहुत कम होती है नॉर्मली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइट की भी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बट वही अगर बल्ब हम अपने यहाँ पे लगाएंगे तो उतना इंटेंसिटी नहीं देगा। तो इंटेंसिटी आपको समझ गए, मतलब चमक कितना चमकता है,
देखो तो उसी तरीके से जब यहां से लाइट जाएगी तो कुछ पॉइंट पे मिनिमम इंटेंसिटी होगी, कुछ पॉइंट पे। अब देखो ये जो पी एंड क्यू है, इसको पी मान लो और ये क्यू है। पी एंड क्यू एक दूसरा स्क्रीन है जहां पे अपनी लाइट क्या होगी, दिखेगी अपने को। इन स्लिट से निकलने के बाद जो लाइट से उस स्क्रीन पे हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। इस स्क्रीन पे हम इसे क्या करेंगे, इसे हम इस स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे। और ये एक जो स्क्रीन था, यहाँ पे दो स्लिट्स लगाया हुआ था, ये दो स्लिट्स था। इस डबल स्लिट्स में से जो भी स्क्रीन निकल रही थी, जो भी लाइट्स निकल रही थी, वो लाइट्स कहाँ पे आके पड़ेगी, यहाँ पे ये जो पी क्यू स्क्रीन है इसमें आके पड़ेगी। और इसी स्क्रीन पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ पॉइंट में, एक ऐसा स्क्रीन समझ लो यहाँ पे सारी लाइट आ रही है, कहीं कहीं पे एकदम कैसा एकदम कम कम रहेगा, कहीं कहीं पे ज्यादा प्रकाश ज्यादा रोशनी रहेगी, कहीं कहीं पे एकदम कम रहेगा, कहीं कहीं पे एकदम ज्यादा लाइट्स रहेगी इसी स्क्रीन में, इसी पर्दे में। समझ गया, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो कहीं पे मिनिमम लाइट, कहीं पे मैक्सिमम, कहीं पे मिनिमम, कहीं पे मैक्सिमम, समझ रहा है। तो ऐसी लाइट्स यहाँ पे क्रिएट होती है, ऐसी इंटेंसिटी वाली लाइट यहाँ पे क्रिएट होती है। देखो जब मिनिमम रहेगा ना तो कुछ इस तरीके से कम कम लाइट रहेगी, जब ज्यादा रहेगा तो ज्यादा लाइट रहेगी, कम लाइट ज्यादा लाइट, कम लाइट ज्यादा लाइट, कम लाइट ज्यादा लाइट। ये हम लोग को सीखने मिला, ये डबल स्लिट से सीखने मिलता है। मतलब क्या सीखा कि जब कभी भी दो वेव्स, ध्यान देना अच्छे से, जब कभी भी टू वेव्स एक साथ कंबाइन होती है, सुपर इम्पोज होती है, तो किसी ना किसी कंडीशन पे उनकी जो इंटेंसिटी होती है कम होती है, और किसी ना किसी कंडीशन के लिए उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। यानी कि एक बात तो फिक्स हो चुकी है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, एक बात तो फिक्स हो चुकी है कि जो ब्लू लाइट है, ये देखो ये जो ब्लू वाला है इसको समझना, ये जो ब्लू वाला है ये है कंस्ट्रक्टिव वाला, कंस्ट्रक्टिव वेव्स। कंस्ट्रक्टिव वेव्स में जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है, और जिसमें वेवलेंथ ज्यादा होती है वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा मिलती है। यानी कि जब कभी भी किसी भी दो वेव्स का ट्रफ और क्रस्ट एक साथ कंबाइन होता है तो जो इंटेंसिटी निकलती है वो मैक्सिमम होती है, और जब किसी भी दो वेव्स का ट्रफ और क्रस्ट ऐसा कंबाइन होता है तो इंटेंसिटी मिनिमम होती है। मतलब देखो जो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, अभी देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट वो है डैश वाली लाइन, कंटिन्यूअस लाइन, और जो ट्रफ है वो है कैसी, डैश लाइन। समझा अच्छे से? तो अब यहाँ पे समझ लो, फिर से रिपीट करूंगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कभी भी याद रखना ट्रफ और या फिर क्रस्ट और क्रस्ट ही कंबाइन होते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो ये ब्लू वाला जो डॉट है ये कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है, तो यहाँ पे देखो ये एक लाइट और ये दूसरा वेव का, ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये दो कंटिन्यूअस लाइन यानी कि दो क्रस्ट एक साथ कंबाइन हुई है। ऐसे डार्क में देख लो, यहाँ पे देखो ये एक डॉटेड और ये एक डॉटेड, ये भी क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो यहाँ पर भी दो ट्रफ एंड ट्रफ कंबाइन हुई है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन। तो जब किसी भी दो वेव का ट्रफ और ट्रफ या फिर क्रस्ट और क्रस्ट कंबाइन होते हैं तो वो मैक्सिमम इंटरफेरेंस देता है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस, समझ रहे ना, और उसे आप कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। और जब मैक्सिमम इंटरफेरेंस रहेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ रहेगी, तो वहां पे जो भी इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम रहेगी और लाइट ज्यादा चमकेगी, यानी वहां पे हमें ब्राइट लाइट मिलेगी ऑन द स्क्रीन पी क्यू। समझ में आया अच्छे से ये? तो यही था डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, जो यंग्स का डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट यही था, इस चीज को आपको समझ के रखना है। तो आपको ये अच्छे से समझ गया रहेगा, कोई भी इसमें डाउट वाली बात ही नहीं है। बस अगर किसी ने एग्जाम में पूछ लिया कि डबल स्लिट्स यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट बताओ, तो आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि एक सोर्स है जहां से लाइट्स निकलती है, उसके बीच में हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है, अपने पास एक ए बी स्क्रीन है जिसमें दो स्लिट्स है, इन दो स्लिट्स से अपनी लाइट क्या होगी, इंटरफियर होगी आगे चल के, और दोनों लाइट्स एक दूसरे से क्या होंगी, इस तरीके से कुछ ट्रेवल करेंगी, एक दूसरे से इंटरफियर होंगी, यहाँ भी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, जिस पॉइंट ऑफ लाइन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा वहां पे मैक्सिमम लाइन बनने वाली है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली लाइट हमें पर्दे में मिलेगी स्क्रीन में, और जहां पे कम रहेगा मतलब जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी रेड लाइट रहेगी वहां पे मिनिमम आएगा मिनिमम, और वहां पे अपनी इंटेंसिटी लाइट की कम होगी, वेव लेंथ भी कम रहेगा, एम्पलीट्यूड भी कम रहेगा। समझ गया? और ये अपना स्क्रीन है, इस तरीके से कुछ मिलता है। तो अगर आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल करवाया यंग डबल स्लिट का तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो ये हमको मिला, मतलब ये अपने क्या होगा, ये प्रैक्टिकली मिला है, ठीक है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम जो मिला है अपने को यहाँ पे ये प्रैक्टिकली मिला है। बट व्हाट अबाउट मैथमेटिकली? तो चलो अभी को हमको भी मैथमेटिकली अपने को करना है सॉल्व, ठीक है। तो मैथमेटिकली ये एग्जाम में 5 मार्क्स को अकेला पूछेगा, चाहे जो भी हो जाए, बहुत बड़ा है क्योंकि छोटा तो है नहीं, तो आराम से आपको समझ के सारी चीजों को करना है, लाइन बाय लाइन समझना गाइस, कंसिडर करना है कुछ चीजें, बिकॉज फिजिक्स सीधा अलजेब्रा है 10th वाला, विदाउट कंसिडर विदाउट लेट के होता ही नहीं है, कुछ चीज तो कंसिडर करनी ही पड़ती है, जैसे कि जैसे ओ ए बी सी डी ए नाम वगैरह तो कंसिडर करना ही पड़ेगा ना यार, ठीक है। देखो तो कंसिडर कर लो,
ये आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि यंग्स डबल स्लिट्स जैसा ही डायग्राम है, ठीक है, डोंट वरी। यहाँ पे देखो S1 एंड S2 वो दोनों स्लिट्स है जहां से अपनी वेव्स निकलती है, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ चीजें अपने को इस डायग्राम को याद रखना अच्छे से, ये डायग्राम भी कभी कभी अकेला बनाने को पूछता है 2 मार्क्स के लिए, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के लिए जो डायग्राम बनाने को बोलता है, तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। और जितने भी यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन विदाउट ये डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तो ही कर पाओगे। ये डायग्राम याद नहीं रहेगा तो आप कभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हर एक वो पॉइंट जैसे ओ डैश कहाँ है, ओ कहाँ है, S1 S2 D कहाँ है, P कहाँ है, Y कहाँ है, DX, ये सब क्या है अभी तो मैं बताऊंगा ही, बट ये सब आपको याद होना चाहिए सीधा एकदम माइंड में। आंख बंद करते ही ये डायग्राम आपके ब्रेन में आनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम में आ जाओगे, फिर इसके एक भी क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, चाहे किसी भी के लिए आप चले जाओ, कहीं भी कोई भी एग्जाम दो। चलो तो कंसिडर कर लो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द प्लेन वेव जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, मतलब देखो अपना कुछ एक्सिस जैसा है, ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस, मतलब ये अपना कुछ इस तरीके समझ के रखना आपको, ये तो ये एक्स एक्सिस है और ये ऊपर वाला ऐसा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, समझो ऐसा। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, मतलब ये स्लिट्स है तो यहां से लाइट आगे निकलेगी तो इस डायरेक्शन में जाएगा ना, इस डायरेक्शन में हम जाएंगे मतलब वो क्या है कि वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है लाइट का। आगे स्क्रीन जो है वो वाई जेड प्लेन में है, वाई और जेड प्लेन में स्क्रीन है जो अपनी पी और यहां से लेके जो ये वाला स्क्रीन है ये वाई और जेड प्लेन में है, ये आपको समझना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं। ना ओ जो है ये एक सेंटर है जो कि S1 एंड S2 के बीच का, यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब दो स्लिट्स के बीच का जो सेंटर है वो ओ है। जो स्मॉल डी है वो डिस्टेंस है बिटवीन S1 एंड S2, यानी टू स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल डी है। कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ओ डैश, यानी कि जो ओ है और सामने कहां पे स्क्रीन है, ये स्क्रीन का पार्ट है, तो उसी के जस्ट सामने एकदम ओ और ओ डैश है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है और ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नाउ जो डिस्टेंस है ट्रेवल हो रहा है जो भी, मतलब S1 और S2 के बीच में, ये S1 है और ये S2 है, यहां से क्या करेगी अपनी वेव्स निकलेगी, तो इन दोनों से जो भी अपना हम ओ डैश तक जाएंगे, ठीक है, ओ डैश तक, अब S1 से चाहे कोई भी वेव निकले, चाहे S2 से भी कोई भी वेव निकले, ओ डैश तक पहुंचने के लिए उन दोनों को इक्वल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इक्वल डिस्टेंस, यानी कि वो दोनों कैसे रहेंगे, इक्वी डिस्टेंस रहेंगे, कैसे रहेंगे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम S1 एंड S2, कहीं से भी वो रिलीज हो, दो वेव्स दो स्लिट्स में से निकलेंगी ना यार, कैसे निकलती है अभी आपको थोड़ी बताना पड़ेगा, ऐसे से निकलती है पता है ना, जब ये वेव्स रीच करेगी पॉइंट ओ डैश को, यानी S2 डैश और S1 डैश को जब ये रीच करेंगे तो इनका डिस्टेंस दोनों का फिक्स रहेगा, यानी डी, चाहे वो S1 जाए चाहे S2 जाए, दोनों इक्वी डिस्टेंस रहेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कंसिडर करो कि पॉइंट ऑन द स्क्रीन, कोई भी एक पॉइंट पी है स्क्रीन में, पूरे स्क्रीन में पॉइंट एक पी है, और जो कि S1 एंड S2, मतलब देखो अभी अगर S1 डैश S2 डैश या फिर O डैश की बात करूं तो यहां पे जो भी वेव्स S1 स्लिट्स और S2 स्लिट्स निकलेंगी ये इनका डिस्टेंस इक्विडिस्टेंस रहेगा, बट अपने को थोड़ा फाइंड करना है तो अपने को अनइक्वल डिस्टेंस वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, तो हमने एक पॉइंट P उसी स्क्रीन में कहीं भी ले लिया, पर्दे में कोई भी एक स्क्रीन का कोई भी पॉइंट ले लिया पॉइंट P, और उस पॉइंट में जो डिस्टेंस है S1 और S2 से जो भी वेवलेट्स निकलती है, देखो ये एक वेवलेट्स होती है, ये वेवलेट्स जो निकलते हैं, ये जो यहां से ऐसे ऐसे वेवलेट्स निकलेगी ना, तो ये वेवलेट्स जो भी निकल रहे हैं इनका डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा पॉइंट पी के लिए, पॉइंट पी के लिए डिस्टेंस क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, मतलब देखो S1 से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, यहां से ऐसा डिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा सीधा सीधा जो कि डी है, बट यही पॉइंट अगर मैं पी के लिए बात करूं, देखो कैसा टेढ़ा जा रहा है, दोनों से जो भी वेव्स जाएंगे उनके लिए डिस्टेंस क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब यही पॉइंट पी के लिए हम लोग फाइंड करना है डिस्टेंस को, कि अपनी जो वेव से पॉइंट पी तक जाने के लिए कितना ट्रेवल करेगी, समझा अच्छे से। तो अभी देखो S1 जल्दी पहुंचेगा S2 लेट पहुंचेगा, बिकॉज इसका डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही रहेगा पी के लिए, तो यही चीजें है कुछ, ये अपना डायग्राम इसे अच्छे से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट पी जो है ये कोई भी एक पॉइंट है ऑन द स्क्रीन, S1 डैश S2 डैश जस्ट दोनों फ्रंट में है, S1 और S2 के, O के फ्रंट में O डैश है, इन दोनों के बीच में जो स्क्रीन और सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है, और जो ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है जो प्रोपगेट होने का डायरेक्शन है, देखो ऐसा ये जो इस तरीके से वेव प्रोपगेट होगी, इस तरीके से जो वेव यहाँ पे क्या होगी प्रोपगेट होगी, ऐसे जो ये वेव अपनी इस तरीके से प्रोपगेट होगी, और ये वाली इसकी भी ऐसी जो वेव ऐसे प्रोपगेट होगी,
ये दोनों के दोनों क्या है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। कौन से एक्सिस के अलोंग चल रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग। स्क्रीन जो है अपनी ये वाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए उसको मैंने डिस्टेंस वाई ले लिया, अपने ऊपर है ये, ठीक है। ओ और ओ डैश के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, डी रहेगा, बट पी के लिए डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा, और यही डिस्टेंस को हमारे लिए फाइंड करना है। कुछ ट्रायंगल वगैरह का इस्तेमाल करके हम फाइंड करेंगे। चलो तो अभी देख लेते जल्दी जल्दी गाइस। यहाँ पे मान लो देखो, अभी अपने को हमने देखा था कि ये जो पी और क्यू स्क्रीन है, मतलब ये पी और जो ये क्यू स्क्रीन है, इसी स्क्रीन में अपनी ब्राइट लाइट और इसी स्क्रीन में अपनी डार्क लाइट बढ़ रही थी, ये हमने देखा था, ठीक है। तो अब यही देखते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो ब्राइट वाला रहेगा और ऐसा कौन सा पॉइंट रहेगा जो डार्क वाला रहेगा। देखो आपको ये चीज को बस इमेजिन करना पड़ेगा यार, कि आपके सामने एक स्क्रीन है, एक स्क्रीन है, ठीक है, और उसमें कोई कोई ऐसा पॉइंट है, कोई कोई ऐसा पॉइंट है जो ज्यादा ब्राइट है, कोई कोई ऐसा पॉइंट है जो ज्यादा डार्क है, कोई कोई ऐसा पॉइंट है जो ज्यादा ब्राइट है, कोई कोई ऐसा पॉइंट है जो ज्यादा डार्क है। ऐसा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, समझो वैसे ऐसा यार प्लीज, क्योंकि ये चीज तो आपको इमेजिन ही करनी पड़ेगी ना। ऐसा कुछ इमेजिन करो कि एक ऐसा प्लेन जहां पे कभी कभी कम लाइट है, कभी कभी ज्यादा डार्क लाइट है। इसके लिए आपको एक बात बताऊं, मैं समझाऊं, देखो कैसे करोगे, ध्यान देना अच्छे से। मान लो कोई आपके सामने स्क्रीन है, ठीक है, और स्क्रीन में ना यहां से आपका सोर्स है, यहां से आपका ये सोर्स है, सोर्स है, ठीक है। अब इस सोर्स में से पूरे में सोर्स आएगा, यहां पे आप क्या करो, एक बहुत बड़ा पेपर ले लो और उस पेपर में बहुत जगह है, 3-4 से 5 जगह आप होल कर दो और इस होल से लाइट को अंदर जाने दो। तो जब होल से लाइट जाएगी तो यहाँ पे कैसी होगी, ब्राइट लाइट होगी, और जब विदाउट होल से जाएगी तो वहां पे लाइट क्या रहेगी, हल्का सा डार्क रहेगा अगल बगल। जब फिर से होल से लाइट जाएगी तो वहां पे डार्क रहेगी और बाकी अदर साइड क्या रहेगा, डार्क रहेगा। तो वही ब्राइट और डार्क की बात कर रहा हूं, समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं मैं। ओके, तो अब आपको इमेजिन हुआ रहेगा। तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, फ्रिंज मतलब यही जो फ्रिंज है, फ्रिंज मतलब वो जो होता है ना, मतलब एक पट्टी जो ब्राइट की और डार्क की पट्टी जो बनती है ना अपने स्क्रीन में, उसको फ्रिंज कहते हैं। पॉइंट पीपी यहाँ पे बनेगा पूरे के पूरे, ठीक है। तो कब बनेगा अपना यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज, कब बनेगा, जब भी एस वन और एस टू के बीच का डिफरेंस जो भी रहेगा, मतलब लैम्बडा जो भी रहेगा, वो ओनली इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कैसा, कि मान लो अगर एस वन पी और एस टू पी का जो डिस्टेंस, मतलब एस वन और पी के बीच का, एस टू और पी के बीच का जो भी डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो सीधा इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब देखो, अगर मान लो एस वन पी से लेके पी तक का डिस्टेंस है लैम्बडा पी, ओनली लैम्बडा, सपोज दैट, तो एस टू पी, एस टू और पी के बीच का डिस्टेंस 2 लैम्बडा होना चाहिए। मतलब लैम्बडा तो रहेगा, बस यहाँ पे 1 और 2 ऐसा इंटीग्रल मल्टीपल रहना चाहिए, बस अगला 3 लैम्बडा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। और अगर ऐसा होता है, मतलब जो अपना वेवलेंथ है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ऐसा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो आपका जो भी वेव रहेगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली रहेगी। और हम लोगों को पता है, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा था कि जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा याद रखना कि जो वेव्स प्रोड्यूस करती है वो ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस करेगी, यानी ब्राइट फ्रिंज मीन्स ब्राइट पट्टी वाली लाइट, समझा, ब्राइट पट्टी बनेगी लाइट की, जो पट्टी मीन्स एक प्लेन, ब्राइट प्लेन बनेगा लाइट की, समझा अच्छे से, एट पॉइंट पी। तो ये आपको समझ गया होगा। एक बात और याद रखो यार, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा ना तभी अपनी ब्राइट लाइट रहेगी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो अपना वेवलेंथ होता है या तो लैम्बडा, फिर या तो 2 लैम्बडा, या तो फिर 3 लैम्बडा, या फिर 4 लैम्बडा, ऐसा, मतलब इंटीजर मल्टीपल रहना चाहिए, समझा अच्छे से। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट डार्क फ्रिंजेस, डार्क यानी ब्लैक वाले कब बनेंगे, तो ब्लैक वाले कब बनेगी, ध्यान देना, जब कभी भी S1 और S2 P का जो भी डिफरेंस रहेगा ना वेवलेंथ के साथ, तो वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, हाफ और इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब देखो कैसे, 1/2 लैम्बडा, फिर ऐसे ही उसका हाफ और करो 1/4 लैम्बडा, ऐसे मल्टीपल, तो वह हाफ मल्टीपल होना चाहिए, समझ रहे ना। मतलब देखो, अगर 2 लैम्बडा है तो 1/2 यानी कि लैम्बडा ओनली, समझा, तो कुछ इस तरीके से, तो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए फॉर द लैम्बडा की कंडीशन में। और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, और वी नो दैट कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा लाइट क्या होती है, डार्क फ्रिंजेस ही बनती है यहाँ पे, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ में, दूसरे का ट्रफ एक के क्रस्ट में, इस तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, इंटरफेरेंस होता है, इस बात को समझ के रखना, सुनना। आओ अभी आगे बढ़े, तो अभी सॉल्व करना है अपने को, तो कंसिडर कर लो कि ट्रायंगल, अब देखो अगर मैं एस टू से एस वन एस टू डैश की बात करता, अगर मैं S1 से S1 डैश की बात करता तो डिस्टेंस d आता, बट मुझे
S1 और S2 से पीक तक का डिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए मुझे ट्रायंगल का कुछ इस्तेमाल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ट्रायंगल इस्तेमाल किया, ट्रायंगल S1 और P, यानी मुझे कुछ ये डिस्टेंस कवर करना है, पहले S1 से S1 तक, फिर वहां से लेके P तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, ओके। फिर दूसरा S2 से पहले S2 तक, उसके बाद मुझे P तक जाना है, ठीक है, P तक जाना है। और एक बात याद रखना, भूलना मत, P पॉइंट से लेकर के जो ये O है ना, ये O, O का O डैश तक जो डिस्टेंस है वो Y है, समझा अच्छे से। यानी ये डिस्टेंस अपने को पता नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वो डिस्टेंस अपने को नहीं मालूम है, वो डिस्टेंस अपने को, यानी O डैश से लेके S2 तक की डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी पड़ेगी। और S2 से S2 तक का डिस्टेंस तो D है, ये तो आपको पता ही है ना, ये बात आपको याद रखनी है। सुनना हो अभी, यहाँ पे ध्यान देना, इन ट्रायंगल S1 S1 P एंड S2 S2 P हमको चाहिए डिस्टेंस, कहां से कहां तक का डिस्टेंस, यहाँ पे फोकस करो जरा थोड़ा सा। अभी देखो हम लोग जल्दी से यहाँ पे समझते, S1 देखो यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। S2 से P तक का ये जो पूरा बड़ा सा ट्रायंगल है इससे माइनस कर दूंगा इस छोटे से ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को S1 से P वाले ट्रायंगल को माइनस करूंगा, तो मुझे टोटल ये डिस्टेंस मिल जाएगा, समझा। और मुझे यही डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, यही पे मेरे फ्रिंजेस बनेंगे, इसी डिस्टेंस को मुझे फाइंड करना है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 यही मुझे फाइंड करके दिखाना है, ओके, यही आना चाहिए। यहां पे मैंने क्या किया, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, आगे तो आपकी बुक में कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत तरीके सॉल्व किया है जिससे कि आपको थोड़ा माइंड पे बैठ जाए अच्छी चीजें, ठीक है। देखो तो S2 और यहां से लेके ऐसा P, मैं कैसे कर्सर को लेके जा रहा हूँ, S2 से लेके U S2 फिर P, तो यहां तक का डिस्टेंस माइनस S1 से S1 देन P, इसका स्क्वायर माइनस डिस्टेंस क्या आएगा, पहले पता करो भाई कि S2P क्या है, तो S2P यहाँ पे जो स्क्वायर है, तो S2 से फिर P तक का डिस्टेंस कैसे जाओगे, तो स्क्वायर है ना, तो पहले S2 से S2 तक का डिस्टेंस D हो गया, फिर उसी में प्लस करोगे ना, ये वाला डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, तो क्या है ये वाला डिस्टेंस, तो पहले Y और प्लस D/2, कैसे आया D/2, ये समझो पहले, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, D है, यानी S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, D ही रहेगा, तो यानी कि जो O' है इसके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, तो देखो जब ये पूरा कितना है D है, तो ये कितना रहेगा, D/2 रहेगा, और ये भी D/2 रहेगा, समझा। और यहां से P से लेकर के पॉइंट O तक का डिस्टेंस कितना है, Y है, ये समझा ना, तो ध्यान देना अच्छे से, अभी क्या होगा, तो S2P' जो है इसके जगह में मैं क्या लिखूंगा, S2 से S1 का डिस्टेंस पहले D लिख लिया, देखो D का स्क्वायर प्लस, अभी मुझे पूरा चाहिए ना, P से लेकर के S2 तक का पूरा चाहिए, तो पहले O' तक का जो डिस्टेंस है वो तो Y है, और O' से लेके S2 तक का डिस्टेंस D/2 है, तो इन दोनों को मैंने ऐड करके स्क्वायर कर दिया, पहला समझा, देन ये माइनस साइन यहां पे आएगा। सिमिलरली आप लोग को आगे आपको ऐसे ही करना है, आप वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखना, आपको समझेगा अच्छे से, ठीक है, आगे आपको ऐसे ही करना है। देखो क्या करोगे इसके लिए भी, S1 से S2 तक का डिस्टेंस कितना है, D है, D का स्क्वायर लिख लिया, फिर उसके बाद प्लस अंदर, और देखो अभी क्या करूंगा, अभी P' से लेके O' तक का डिस्टेंस कितना है, Y है, सो मुझे सिर्फ कितना चाहिए, S1 से S1 तक का और ऊपर P का, मतलब मुझे ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, समझा, तो ये बात ध्यान देना। अब क्या करूंगा मैं, तो Y, अब देखो ये कितना है, ये D/2 है इतना, तो ये टोटल, और यहां तक का कितना है, Y है, तो इस टोटल Y में से मैं D/2 को माइनस कर दूंगा ना, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, मैं D/2 को माइनस कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा, समझा, तो वही चीज यहां पे किया है, Y माइनस D/2 कर दिया, और इसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा, बिकॉज बाहर स्क्वायर बैठा है, दैट्स इट, खत्म कहानी। नाउ अब क्या करोगे, ये तो आपको आ जाएगा, ये माइनस साइन अंदर दे दो, तो ये आपको ये मिल जाएगा, फिर D² कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली Y प्लस D/2 माइनस Y माइनस D/2 मिल जाएगा, इसको आप स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करोगे, 2λ d यानी 2yd ऐसा आएगा, y क्या है, ये डिस्टेंस है, हाँ याद रखना अच्छे से, डिस्टेंस है ये d, ठीक है, और यहाँ पे S2P और S1P माइनस, यानी a² - b² जैसा कुछ दिख रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b a + b होता है,
ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी और 2YD ऐसा आपको मिल चुका है, समझ गया ना। तो एक से दो बार जो मैंने अभी आपको बताया है ना, इसी चीज को प्लीज एंड प्लीज बोल रहा हूँ, दो बार रिपीट जरूर करो, हल्का हल्का पीछे बैक करके और रिपीट करो वीडियो को, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से किया है ये, मतलब कैसे यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी अपॉन टू का स्क्वायर कैसे आया, ये आपको अच्छे से समझ में क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अभी, तो देखो उसी वाले से, अब देखो आपको पता है S1P और S2P, ठीक है, ये जो है S1P और S2P, ये जो है इसके बीच का जो भी डिस्टेंस है, इसके बीच का जो भी ये डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, वो पाथ लेंथ कहलाएगा, क्योंकि ये वेव्स है, वेव्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना पाथ ट्रेवल कर रहा है, यही होगा मेरा पाथ लेंथ, यानी कि S2P ने कितना ट्रेवल किया और S1P ने कितना ट्रेवल किया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो पाथ लेंथ कहलाएगा। एंड हम लोग को अभी अभी एक इक्वेशन से मिला है कि यहाँ पे देख लो S2P - S1P, ये फॉर्मूले से हमने ये लाया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे S2P + S1P = 2YD हो जाएगा, और S2P - S1P क्या होता है, पाथ लेंथ होता है ना, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना S2P - S1P = 2YD / S2P + S1P, ये प्लस वाले को मैंने 2YD के नीचे रख दिया, जस्ट इतना तो आपको समझेगा ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, समझा। नाउ नाउ अब यहाँ पे कंडीशन समझनी थोड़ी सी आपको, ओके okay, क्योंकि अभी अपना आंसर आने वाला है, हम लोग को पाथ लेंथ ही चाहिए था, पाथ लेंथ ही चाहिए था, मतलब पी तक का जो डिस्टेंस है पाथ लेंथ वही चाहिए था, यानी कि अपने को चाहिए था S2P - S1P, पाथ लेंथ अपने को मिल जाएगा, सारी चीजें अपने को सॉल्व हो जाएगी, अपने को फ्रिंजेस भी पता चल जाएगा। तो D/D जो है स्मॉल में, ये मान लो अगर बहुत छोटा है, यानी कि डी और ये डी इन दोनों का डिस्टेंस जो है बहुत छोटा है, यानी कि S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस और जो इन दोनों स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही 1 से भी कम है, अगर 1 से भी कम है तो अगर मैं S2 और S1P को ऐड करूंगा तो ये डबल D के बराबर हो जाएगा, 2 times of D के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है ना यार और ये बहुत कम है, और अगर 1 से भी छोटे वैल्यू है तो जितना D होगा उसका डबल D रहेगा, समझा, क्योंकि ये स्क्रीन के बीच का डिफरेंस है ना, तो ये डबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर 1 से छोटा है तो उस कंडीशन के लिए मैं उसके जगह में 2D पुट कर दूंगा, 2 से 2 कैंसिल और YD/D आ जाएगा, S2P - S1P YD/D आ गया, ये अपने को फाइनली मिल गया। नाउ बट यहाँ पे अभी अपने को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देख लेते हैं, वहां पे हमने क्या देखा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए सीधा, एन जो रहेगा सीधा मल्टीप्लाई होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 ऐसा मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहाँ पे जो वाई है ये डिस्टेंस है, अभी यहाँ पर ही अपनी वेवलेंथ आती है, तो यहाँ पे एन जो रहेगा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ऐसा पहला कैसे रहेगा, ब्राइट का, डार्क का, ब्राइट का, डार्क का, ऐसा जो नंबर रहेगा वो एकदम फिक्स होना चाहिए, समझ रहा है। तो यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस रहेगा वो डायरेक्टली आप एन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, एन लैम्बडा ऐसा आपको मिल जाएगा, समझा। एन लैम्बडा मतलब यहाँ पे जो एन लैम्बडा और यहाँ पे YND/D भी आप लिख सकते हो, और आपको सीधा से यहाँ पे आपको वैल्यू मिल के आ जाएगी एन लैम्बडा, ओके। तो इस चीज को अच्छे से आपको समझ लेना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अभी इसी में, अभी वहां से ही उसी एंथ वाले ब्राइट फ्रिंज से, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ब्राइट फ्रिंज ही आएगा ना, तो अब यहां से ही इसी इक्वेशन से, इतना तो मैथमेटिक्स आती रहेगी ना यार, तो वाई एन से हम लोग क्या निकाल लेंगे, वाई एन की वैल्यू, यानी कि ये एंथ फ्रिंज है, वाई एन मतलब एंथ वाला डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस पे ब्राइट फ्रिंज रहेगी वो वाई एन बताएगा। तो YN = ये d उधर जाएगा, स्मॉल d नीचे आएगा, तो n लैम्बडा कैपिटल d अपॉन स्मॉल d, n लैम्बडा कैपिटल d अपॉन स्मॉल d, YN यही मिलेगा ना, वहां से याद रखना अच्छे से। नाउ सिमिलरली फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे S2 - S1P क्या आएगा, यहाँ पे हमने बोला था कि हाफ रहना चाहिए जो भी आएगा, मतलब अगर 1 है तो 1 में से हाफ माइनस कर दो, समझा, उतना रहेगा डार्क के लिए, तो n था, n में से हाफ माइनस कर दिया, तो ये डार्क के लिए आ गया। तो यहाँ पे वैसे ही YN क्या मिलेगा, यहाँ पे जो Y मिला है, यहाँ पे YN क्या मिलेगा, N - 1/2 और बाकी का लैम्बडा D/D वो सेम रहेगा, बस यहाँ पे हाफ कर देना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, बाकी और कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ओके। तो ये देखो मतलब क्या शो कर रहा है कि एक पे ब्राइट एक पे डार्क, एक पे ब्राइट एक पे डार्क ऐसा मिलेगा, बट जो इन दोनों ब्राइट और डार्क के बीच का डिफरेंस है उसे हम, ये देखो अभी ये फ्रिंज हो गया ना, ये एक फ्रिंज, दूसरा फ्रिंज, तीसरा फ्रिंज, चौथा फ्रिंज, इस फ्रिंज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, एक ब्राइट और ये डार्क है, फिर ब्राइट फिर डार्क है, समझ रहे क्या बोल रहा हूं, तो ब्राइट डार्क ऐसा है, तो इन्हीं ब्राइट और डार्क के बीच का जो पोजीशन है,
इनके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, अपना फ्रिंज वृत्त कहेंगे, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल रहेगा। मतलब ये डिफरेंस इक्वल ही आएगी, जितने भी फ्रिंज ले लो, सारे फ्रिंजेस, मतलब पहला फ्रिज यहाँ बना, दूसरा फ्रिज यहाँ, तीसरा, चौथा, ऐसा फ्रिज जो बन रहा है, इन दोनों फ्रिजेस के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, ये डिफरेंस हमेशा इक्वल रहेगा, और हम इसको वाई एन प्लस माइनस वाई एन से दिखाते हैं। जहां पे वाई एन क्या है, ब्राइट डार्क, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहने वाला है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखनी है, ओके, तो इसे समझ के रखना। नाउ गाइस, तो ये था। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा याद करना है, अगर आप किसी ने पूछा डार्क फ्रिज के लिए फॉर्मूला, तो आपको ये याद रखना है, जहां से डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन दी ये स्क्रीन स्मॉल डी, दो स्लिट्स के बीच का डिफरेंस, माइनस या एन माइनस वन अपॉन टू, ये तो कंडीशन है, और लैम्ब्डा क्या है, पाथ या फिर वेवलेंथ आप कह सकते हो, वाई एन क्या है, ये शो करता है कि कौन सा है भाई, डिस्ट्रक्टिव है कि कंस्ट्रक्टिव है, और ये हो गया अपना कंस्ट्रक्टिव के लिए। तो इस तरीके से आप ब्राइट और ये निकाल सकते हो, ठीक है, चलो याद रखना। नाउ आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको दे देता हूं, जिससे कि आपको सारा कंडीशन समझ में आ जाए। तो कुछ फॉर्मूले हैं, ब्राइट फ्रिज के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, डार्क फ्रिज के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ओके, जहां पे डी क्या रहेगा, स्क्रीन का डिफरेंस, लैम्ब्डा क्या है, अपना वेवलेंथ, स्मॉल डी, दो स्लिट्स के बीच का डिफरेंस, एन माइनस वन अपॉन टू, डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन, फ्रिंज विथ क्या आएगा, फ्रिंज विथ क्या होता है, अपना जो वाई होता है ना, डिस्टेंस जो होता है उसका, मतलब वो, मतलब उसकी, देखो बिकॉज अगर मैं लिखूं डेल्टा टी तो क्या होता है, टी टू माइनस टी वन, वैसे यहाँ पे डेल्टा वाई लिखा मतलब डिफरेंस, यानी क्या हो जाएगा, वाई एन प्लस माइनस वाई एन, दोनों वाले स्लिट्स के बीच का डिफरेंस, समझा, यही चीज आएगी ना, और यही चीज क्या होती है, लैम्ब्डा डी अपॉन डी होता है, आप इसको करके देख लो। मतलब आप क्या करोगे पता है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस ये कर लो और आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा 100%, यहाँ पे क्या रहेगा, एन प्लस वन है, यहाँ करके आप देख लो, आपको वही मिलेगा, ठीक है, करके आप चाहो तो देख लो, 100% मिल जाएगा, लैम्ब्डा डी अपॉन डी ऐसा आपको मिलेगा, ओके। तब आगे बढ़ते, अभी एक और फॉर्मूला याद रखना, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एल और फेज डिफरेंस डेल्टा थ्री, जो फाइ है, ठीक है, तो ये क्या मिलता है आपको, ये फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला बताता हूं, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव रीचिंग पॉइंट पी फ्रॉम एस वन टू एस टू, मतलब एस वन टू और मतलब एस वन से और एस टू से पी पॉइंट तक अपने को पहुंचना है, तो यहां तक के लिए जो फेज डिफरेंस है उसके लिए फॉर्मूला, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ये याद रखना, फॉर्मूला है याद तो करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस के टर्म्स में क्या, तो फेज डिफरेंस के टर्म्स में यहाँ पे देखो एन टू पाए और यहाँ पे क्या आ जाएगा एन माइनस वन अपॉइंट टू टू पाए, इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद रखने, ये फॉर्मूले हर जगह यूज होंगे, तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है और आपको इन्हें याद रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल पाथ के लिए पढ़ते हैं भाई, एग्जैक्टली ऑप्टिकल पाथ होता क्या है। देखो ऑप्टिकल मीन्स लाइट होती है और पाथ मीन्स पाथ, यानी कि अगर ये एक आपके सामने लाइट का सोर्स है, ये आपके सामने लाइट का सोर्स है, तो ये लाइट कहां तक ट्रेवल करती है वही होगा आपका ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। चल तो अभी मैं यहाँ पे, आपने 11th में ऑलरेडी ये चीज पढ़ी होगी इक्वेशन, में भी नहीं पढ़ा तो अब जान लो, ठीक है। तो फेज लाइट जो होती है ना वो गिवन बाय दिस इक्वेशन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वेयर के इज दी वेव वेक्टर, वेयर ओमेगा इज दी फ्रीक्वेंसी, वेयर के का रिलेशन जो होता है ओमेगा अपॉन वी होता है, और वी क्या है, वेयर स्पीड ऑफ द लाइट, यानी कितने की स्पीड से अपनी जो लाइट ट्रेवल कर रही है, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका वेव वेक्टर क्या है, यानी कॉन्स्टेंट होता है यार ये के, और के क्या होता है ओमेगा अपॉन वी, जो निकालोगे इसको मैं, यानी रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड ऑफ द लाइट जो होता है वही होता है वेव वेक्टर, समझा अच्छे से। किसी ने पूछा व्हाट इज वेव वेक्टर, क्या बताओगे, वेव वेक्टर इज द फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड ऑफ द लाइट, और इससे ये इक्वेशन मिला करता है जो कि अपना ऑप्टिकल पाथ के लिए रहा करता था। बट ये यहाँ पे जो है ये फेज ऑफ लाइट के लिए, मतलब लाइट के कौन कौन से फेजेस है उसके लिए, अगर मैं आपसे ऑप्टिकल पाथ के लिए बोलूं तो क्या रहेगा, मान लो डेल्टा एक्स डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, आपकी एक सिंगल वन लाइट है और उसने डेल्टा एक्स पाथ चलते चलते ट्रेवल किया, तो यानी कि एक लाइट है, अगर दो लाइट रहेगी तो टू इंटू डेल्टा एक्स, थ्री लाइट थ्री इंटू डेल्टा एक्स, चार लाइट रहेगी चार इंटू डेल्टा एक्स, जितनी लाइट उतना वेव ट्रेवल होगी, समझा कि नहीं, तो यहाँ पे एन इंटू डेल्टा एक्स यही होगा मेरा ऑप्टिकल पाथ, वेयर डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन अ मीडियम, मैंने बताया ना वही जो वेव यार जो लाइट ट्रेवल करती है वही होगा डेल्टा एक्स, ठीक है। अगर वैक्यूम की बात करो तो वैक्यूम में एन की वैल्यू वन होती है, तो ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा फॉर वैक्यूम, ओनली डेल्टा एक्स, सभी के सभी जो भी वैल्यूज रहेगी वो सेम चलेगी, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो वन होगा, यहाँ पे मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिख रहा था, हर एक मीडियम के लिए अपना अपना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है,
तो किसी भी दूसरे मीडियम के लिए वो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो भी रहेगा उसके हिसाब से आपको अपने वेव जो भी अपना वेव का डिफरेंस है डिस्टेंस है कितना वेव ट्रेवल कर रही है उसको मल्टीप्लाई करना है और आपको ऑप्टिकल पाथ मिल जाएगा। किसी ने पूछा ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, तो आपको एन डेल्टा एक्स बताना है। वेव डेल्टा एक्स क्या होता है, ये कितना अपना वेव ट्रेवल करता है, कितनी डिस्टेंस वेव ट्रेवल करता है वो डेल्टा एक्स है, और एन क्या है जिस मीडियम में चल रहा है उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है। अभी वैक्यूम में चलेगा तो वैक्यूम का वन होता है, तो डेल्टा एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स क्या आएगा, डेल्टा एक्स ही ओनली मिलेगा, यानी कि जितना ट्रेवल करेगा उतना ही वैक्यूम में चलेगी वेव्स, मतलब जितना का जितना उतना ही रहेगा, जितना डिस्टेंस उतनी ही वेव ट्रेवल करेगी, कोई भी वहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं होता, ओनली वन रहता है, समझ गया। चलो तो एक तो ये तरीका हो गया एन डेल्टा एक्स के थ्रू आप दिखा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है ऑप्टिकल पाथ को दिखाने का, देखो गाइस इसके पहले मैं अपने पास एक और बुक में टॉपिक है, मैं आपको उसे बता देता हूँ, एक और टॉपिक है जिसमें से कि फैक्टर अफेक्टिंग ऐसा या फिर ऐसा टॉपिक है कि जो यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट को के करेक्शन को और आप अच्छे से कैसे कर सकते हैं, कुछ वहां पे पॉइंट्स दिए 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से रीड करोगे ना आपको खुद ही समझ जाएंगे, उन पॉइंट्स को बताने जैसा उनमें कुछ भी है ही नहीं, उन पॉइंट्स को आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना इसके पहले, ऑप्टिकल पाथ के पहले जो टॉपिक है और डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट मैथमेटिकली के बाद वाला जो टॉपिक है, वहां पे जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है कि कैसे आप एक्यूरेसी ला सकते हो, कैसे एक्यूरेसी लाओगे, स्लिट्स का डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, स्क्रीन का डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, डी और डी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, लाइट्स की इंटेंसिटी प्रॉपर होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे अच्छे से देखनी पड़ेगी, वही चीजें वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसे अच्छे से याद रखना और वही आप पढ़ लो आपको खुद ही समझेगा। चलो भाई देख लेते सेकंड मेथड ऑफ फॉर द ऑप्टिकल पाथ, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होगा किसी भी मीडियम के लिए, डी मीडियम अपॉन वी मीडियम और डी वैक्यूम अपॉन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम और मीडियम के लिए हमने यहाँ पे रेशियो निकाला है, फॉर द मीडियम और वैक्यूम ये एक हो गया और यहाँ पे ये दूसरा हो गया, ये दो मतलब निकाल सकता हूं ना, समझ रहा है। देखो अभी कैसा बोला मैंने, हमने इसके पहले ही पढ़ा है कि टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती अपनी लाइट्स, मैंने पहले बताया था ना, तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर द मीडियम अपॉन वेलोसिटी होगा ना यानी स्पीड, तो ये फॉर द मीडियम। सिमिलरली यहाँ पे टाइम क्या रहेगा, टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस फॉर द वैक्यूम और यहाँ पे वेलोसिटी फॉर द वैक्यूम, टाइम टाइम दोनों सेम है तो ये अपने को मिल जाएगा, समझा क्या क्या बोल रहा हूं मैं, इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया ना। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ डी वैक्यूम में कितना रहेगा, कितना रहेगा, तो यहां से डिस्टेंस यानी कि ऑप्टिकल पाथ कितना अपनी वेव ट्रेवल कर रही है वही है अपना डिस्टेंस, तो डी वैक्यूम इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी आप देखो इस चीज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वेलोसिटी इन वैक्यूम इनटू डिस्टेंस इन वैक्यूम अपॉन यहाँ पे मीडियम में आ जाएगा, यहाँ पे फिलहाल ये मीडियम लिखना, ये मीडियम है ओके, ये मीडियम लिखना, चलो यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा और ये आपको डी वैक्यूम फाइंड हो गया, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो अगर आपको वैक्यूम में चाहिए तो पास डिफरेंस तो वैक्यूम में निकाल लो, अगर आप मीडियम में चाहिए तो मीडियम में निकाल लो, डिस्टेंस ही क्या होता है ऑप्टिकल पाथ होता है, दैट्स इट, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये बात को अच्छे समझ लेना, इसके पहले की वो टॉपिक आप खुद से जरूर रीड करोगे, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, बिकॉज वो बहुत इजी है, आप कैसे डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट को कम ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज उसकी एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो, या तो आप स्लिट्स को मेंटेन करो, या तो स्क्रीन को अच्छे से रखो, या तो लाइट्स की इंटेंसिटी अच्छे से रखो, डिस्टेंस इधर उधर करो, पाथ लेंथ प्रॉपर रखो, यही चीजें वहां पे बताई है ऑप्टिकल पाथ के पहले वाला टॉपिक पे, ओके, तो उसे अच्छे से पढ़ना, 100% समझेगा, नहीं समझेगा कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल हेल्प यू, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे लास्ट वाले पार्ट में इसके अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, तब तक के लिए बाय।